हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट, अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज से यहाँ पर एमबीबीएस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जो आपका 10% रिजर्वेशन दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो या आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों में ही काउंसलिंग जो आपकी होगी, स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा में दोनों में ही आपका 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो वो 10% रिजर्वेशन का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं, क्या आपको ज़रूरत होगी उसका लाभ उठाने के लिए, किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, साथ ही कौन कौन लोग इसका लाभ उठा सकते हैं और ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप कहाँ से बनवा सकते हैं, सारी डिटेल में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है, इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा। तो बिना समय गवाए बात करते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेट आपको चाहिए। आपको पता ही चल गया होगा कि इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लिए यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, जो 10% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। वो एक चीज़ और मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि ये जो 10% रिजर्वेशन है वो केवल और केवल आपके जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो OBC SC ST के हैं, वो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि EWS सर्टिफिकेट कौन कौन यहाँ पर बनवा सकता है। तो EWS सर्टिफिकेट OBC SC ST कैंडिडेट जो है वो नहीं बनवा सकते, उनके लिए उनका जो है कास्ट सर्टिफिकेट ही यहाँ पर लागू होता है, ठीक है। तो EWS सर्टिफिकेट जो है वो जनरल कैटेगरी में उन कैंडिडेट के लिए है जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन में यहाँ पर आते हैं। अब ये क्या है इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, तो इसके बारे में आइए मैं आपसे बता देता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आगे जो भी मेरा वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखिए, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन में कौन कौन लोग आते हैं उसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर रखे गए हैं। उसके अंडर अगर आप आते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली की इनकम हो गई, आपके पास ज़मीन और आपके पास मकान प्लॉट, इन सारी चीज़ों को लेकर एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि उसके अंडर में आपको आना चाहिए, वो क्या क्या है आइए उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ जो सबसे पहली कंडीशन है आपके 10% रिजर्वेशन के लिए वो ये है कि अगर आप एक जनरल कैटेगरी की फैमिली में आते हैं तो आपकी फैमिली इनकम की बात यहाँ पर की गई है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है केवल आपके पिताजी की हो, इसमें आपके पिताजी माताजी या आप अगर कमाने लायक हैं तो आपके भाई की, जो भी आपके लोग घर में लोग कमा रहे हैं उनकी सबकी मिलाकर आपकी 8 लाख से कम आय अगर है तो आप यहाँ पर इसके लिए बनवा सकते हैं, मतलब EWS सर्टिफिकेट के लिए आप एलिजिबल हैं और 10% रिजर्वेशन आपको मिल सकता है। साथ ही और क्या क्या होना चाहिए, तो दूसरी कंडीशन और जो है यहाँ पर लागू होती है वो ये है कि आपके पास अगर कोई खेती वाली ज़मीन है, एग्रीकल्चर लैंड अगर आपके पास है तो वो 5 एकड़ से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई रेजिडेंशियल आपके पास फ्लैट है तो वो 1000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई रेजिडेंशियल प्लॉट ऐसा है जो आपका नोटिफाइड है आपकी म्युनिसिपैलिटी में, तो वो भी आपका 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा ना हो, ठीक है। और ऐसे ही आपका अगर कोई ऐसी अदर एरिया में है, जैसे कि आपका म्युनिसिपैलिटी से जो म्युनिसिपैलिटी में रजिस्टर नहीं है उससे अगर कहीं और आपका रजिस्टर है या फिर और कहीं किसी अदर एरिया में है तो वो आपका 200 स्क्वायर यार्ड से वो भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए, ये जो ज़मीन जायदाद वाली चीज़ें हैं ये आपके घर फैमिली में सभी लोगों को पता होगा, तो वो आप उनसे पूछकर बनवा, मतलब उनसे पूछ लीजिएगा कि हमारी ज़मीन कितनी है, वो क्या है, वो आपको अपनी आपके फादर आपके बड़े भाई जो भी होंगे उन सारी इन सभी चीज़ों के बारे में उनको जानकारी होगी, वो सभी चीज़ें यहाँ पर बता देंगे। फिलहाल आपको इनकम जो अपनी है वो देखनी है कि आपके परिवार की, पूरे परिवार की इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसको बनवा सकते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि कहाँ जाके कैसे इसको बनवाना होगा, उसके बारे में आइए हम बात कर लेते हैं। तो इसको आप बनवा सकते हैं आपके SDM के यहाँ से, DM के यहाँ से बनवा सकते हैं, साथ ही आप SDO के यहाँ से बनवा सकते हैं, तहसीलदार के यहाँ से बनवा सकते हैं, आप रेवेन्यू ऑफिसर के यहाँ से बनवा सकते हैं। सबसे अच्छे जो आपके लिए रहेगा अगर आप किसी गांव वाले एरिया में रहते हैं, ठीक है, तो तहसील से बनवाना जो है आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि तहसील से जाइए, तहसीलदार के यहाँ से आप इसको अप्लाई करके बनवा सकते हैं, उनसे वो पूछेंगे कि हमको EWS सर्टिफिकेट बनवाना है तो वो सारी प्रक्रिया आपको बता देंगे, ठीक है। तो साथ ही एक प्रोफार्मा यहाँ पर सरकार के द्वारा भी दिया गया है, ठीक है, उसको सीधे आप एक फॉर्म जैसा है EWS सर्टिफिकेट के लिए उसको डाउनलोड करिए, अपनी डिटेल उसमें भरिए, साथ ही आपको सीधे सीधे फिर DM
SDM या फिर SDO तहसीलदार के पास जाकर उसकी मोहर आपको लगवानी होती है सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें वेरीफाई कराकर, फिर उसके बाद आपका वो EWS सर्टिफिकेट यहाँ पर बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए मैंने बता दिया कि आप कहाँ कहाँ से इसको बनवा सकते हैं। अब बात आती है कि जब आप इसको बनवाने जाएंगे तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपके साथ होने चाहिए। तो देखिए, उसमें सबसे पहले जो आपके पास होना चाहिए वो है आपका आधार कार्ड। ठीक, आपके पास आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पर होने चाहिए, साथ ही आपकी जो फैमिली इनकम है, आपके पिताजी अगर इनकम टैक्स यहाँ पर रिटर्न भरते हैं तो उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। अगर वो नहीं है आपके पास तो BPL कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर ये भी मतलब इनकम टैक्स वाली बहुत सारे स्टूडेंट के पास नहीं होगी, क्योंकि जनरली अगर कोई किसान है तो वो इनकम टैक्स रिटर्न वहाँ पर नहीं फाइल करता है। ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, BPL कार्ड होना चाहिए या फिर आपकी बैंक की पासबुक की जो ट्रांजैक्शन आपने कराए हैं लास्ट 3-4 मंथ में, तो वो आपके पास होना चाहिए। उसकी एक स्लिप आपके पास, मतलब कोई भी प्रूफ ऐसा जो आपका यहाँ पर क्लियर कर सके कि आपसे 4-5 महीने के अंदर में आपने कितना बैंक से लेन देन किया है, वो चीज़ आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों की ज़रूरत आपको यहाँ पर पड़ सकती है। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि अगर आप 10% रिजर्वेशन यहाँ पर लेना चाहते हैं उसके थ्रू अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट चाहिए तो आपको EWS सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी भी आपके पास यहाँ पर समय बचा हुआ है, आप इसको आसानी से बनवा सकते हैं। काउंसलिंग होने में आपका टाइम है। ठीक है, अब केवल रिजल्ट आना है, सीधे काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अगर इससे रिलेटेड कोई और आपकी प्रॉब्लम हो, कोई और जानकारी आपको चाहिए, कुछ और चीज़ें जानना चाहते हो तो आप मुझसे बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे समय मिलेगा तुरंत आपके सवालों के जवाब देने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।